बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की खुदकुशी का मामला अब तुल पकड़ता जा रहा है। सुशांत के डिप्रेशन की वजह नेपोटिज्म को बताया जा रहा है, जिसके बाद से बॉलीवुड दो गुटों में बदल गया है। सुशांत को सुसाइड करने के लिए उकसाने में एक्टर सलमान खान का नाम भी सामने आया है, जिसके बाद से लगातार उनके खिलाफ पटना में प्रदर्शन जारी है। हाल ही में बिहार के पटना शहर में सलमान के बीइंग ह्यूमन स्टोर पर भीड़ ने अपना गुस्सा निकाला। शोरूम में लगे सलमान के सभी पोस्टर को निकाल दिया गया। सुशांत की मौत से लोगों में काफ़ी गुस्सा देखने को मिल रहा है। इस मामले में अपना गुस्सा जाहिर करते हुए भाजपा युवा मोर्चा के पूर्व उपाध्यक्ष अंकित झा के नेतृत्व में कार्यकर्ता इकट्ठे हुए, जिसके बाद सभी ने मिलकर करण जौहर और सलमान खान के खिलाफ जमकर नारे लगाए। प्रदर्शन करने वालों में काफ़ी संख्या युवाओं की है। उनका कहना है कि सुशांत बिहार के पटना से थे, इसलिए इंडस्ट्री ने उनके साथ भेदभाव किया, जिसकी वजह से सुशांत ने सुसाइड जैसा कदम उठाया। पटना में लगातार 3 दिनों से सलमान और करण के खिलाफ प्रदर्शन चल रहा है। सभी का आरोप है कि सलमान और इंडस्ट्री के कई लोगों ने मिलकर सुशांत का करियर खत्म कर दिया था। सोशल मीडिया पर भी तेजी से सलमान खान, आलिया भट्ट और करण जौहर के फॉलोअर्स लगातार कम होते जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर बुधवार से हैशटैग सलमान खान ट्रेंड करके सलमान खान को खूब ट्रोल किया गया। बता दें, सुशांत सुसाइड केस में एकता कपूर, सलमान खान, करण जौहर और संजय लीला भंसाली पर केस दर्ज हो चुका है। बीते दिन सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती से पुलिस ने लगभग 11 घंटे की पूछताछ की।